तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है एल्केन और एल्केन में हम प्रिपरेशन से स्टार्ट करेंगे कि एल्केन बनाने के तरीके क्या हैं और नीट जेई की कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे पहले एल्केन बनाने के तरीके एल्केन बनाने का पहला तरीका है आप एल्कीन और अल्काइन का हाइड्रोजनेशन कर दो ईथिन में हाइड्रोजन ऐड कर दो इन प्रजेंस ऑफ निकल या प्लेडियम तो ये जो इथिन है ये इथेन बन जाएगा या कोई भी एल्केन बनाने के लिए आप एल्कीन और एल्काइन लो और उसका हाइड्रोजनेशन कर दो तो एल्किन बन जाएगा वनस्पति घी बनाने की यही प्रोसेस है जैसे हम लेंगे ऑलिफिन ऑलिफिन मतलब जिनमें डबल बॉन्ड है जैसे कि कोई एल्किन कोई ऑयल उसको हम कहते हैं ऑलिफिन और इसका अगर हम हाइड्रोजनेशन करें इन प्रेजेंस ऑफ निकल पलिडियम तो यहाँ बनता है वनस्पति घी और वनस्पति घी ही हम कहते हैं डालडा तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन तो हाइड्रोजनेशन करके आप एल्केन बना सकते हैं फिर उसके बाद वुड्स रिएक्शन वुड्स रिएक्शन बनती है अल्काइल हेलाइड से जैसे ये मिथाइल क्लोराइड है और इसमें हमने सोडियम डाला तो आप मिथाइल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल लोगे तो आइस एन निकल जाएगा और यहाँ बन जाएगा इथेन तो ये भी एक तरीका है वुड्स रिएक्शन एल्केन बनाने का उसके बाद डी कार्बोक्सीशन नाम से पता चल रहा है डी का मतलब होता है कम होना और कार्बोक्सी का मतलब होता है सी ग्रुप का कम होना अब जैसे सी एस थ्री सी ओ ओ एन ए और इसमें एन ए ओ एच कैल्शियम ऑक्साइड डाल दें यहाँ एन ए टू सी ओ थ्री निकल जाएगा और बन जाएगा मीथेन तो मीथेन प्लस एन ए टू सी ओ थ्री यहाँ क्या बन जाएगा एल्केन एल्केन बनाने का तरीका तो वुड्स रिएक्शन में हम क्या बनाते हैं डाई एल्काइल मतलब दो अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे तो वुड्स रिएक्शन तो हाइड्रोजनेशन वुड्स रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन इसमें सोडियम को स्टोर करते हैं ड्राई ईथर मीडियम में क्योंकि ड्राई ईथर अनरिएक्टिव होता है सोडियम सेफ रहता है अगर ऑक्सीजन रहा तो सोडियम रिएक्ट कर जाएगा वाटर रहा तो रिएक्ट कर जाएगा अगला है कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस इसमें भी सोडियम सॉल्ट लेंगे हम अब देखो इसमें होता क्या है ये प्लस और माइनस इस सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे प्लस माइनस में टूट जाएगा फिर उसके बाद सी एस थ्री सी डबल बॉन्डो सिंगल बॉन्डो माइनस इसका हम इलेक्ट्रोलिस करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो सी एस थ्री सी डबल बॉन्डो सिंगल बॉन्डो फ्री रेडिकल अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ आ जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा सी ओ टू निकल जाएगा और फिर आ जाएगा मिथाइल फ्री रेडिकल ऐसे दो मॉलिक्यूल ले लो ये दो मॉलिक्यूल ले लो ये दो मॉलिक्यूल ले लो ये दो मॉलिक्यूल ले लो तो दो मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में मिलकर क्या बना देंगे इथेन बना लेंगे कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में ऐसे ही होना है भाई ये जो है ना यह सीओ टू ये निकल जाएगा ये फ्री रेडिकल ऐसे दो मॉलिक्यूल लो दो फ्री रेडिकल आपस में जोड़ के एल्केशन रिडक्शन ये एलडीहाइड्रेन कीटोन में होता है क्लीमेंसन एंड किसनार्पल एक एक दे देता हूं मैं ये कीटोन है कीटोन में अगर जिंक अमल का डाला जिंक अमलगम अमलगम मतलब किसी का भी मरकरी के साथ अला जिंक का मरकरी के साथ जिंक अमलगम वैसे ही अगर सोडियम का मरकरी के साथ होता तो सोडियम अमलगम तो जिंक अमलगम एस सी एल इसको हम कहते हैं क्लिमेंसन रिडक्शन और इसमें ये जो सी ओ ग्रुप है सी एच टू बन जाता है तो सी एस थ्री सी एच टू सी एस थ्री वैसे ही अब वुल्फ किसनार रिडक्शन में अपन डालते हैं हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ के ओ एच इसको हम कहेंगे वुल्फ किसनार रिडक्शन और इसमें भी क्या होता है यही एल्केन बनता है अगला तरीका हाँ रेड फॉस्फोरस एच आई रेड फॉस्फोरस एच आई क्या करता है सारे के सारे ऑक्सीजन हटा देता है जैसे मैं बात करूं ग्लूकोज की ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है तो ग्लूकोज क्या है एल डी हाइड है ऊपर तो यहाँ पर ये एल डी हाइड ग्रुप है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नीचे सी एच टू एच है ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच एंड ओ एच एच ये यहाँ पर ग्लूकोज है अगर मैं इसमें रेड फॉस्फोरस एच आई डालू तो रेड फॉस्फोरस एच आई सारे ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लगा देगा तो ये सारे ऑक्सीजन हट जाएंगे और यहाँ पर बन जाएगा हेक्जेन। तो एल्केन बनाने का एक ये भी तरीका है रेड फॉस्फोरस एच आई उसके बाद एल्यूमिनियम कार्बाइड एल्यूमिनियम पे चार्ज प्लस थ्री कार्बन पे माइनस फोर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ए एल फोर सी थ्री ये एल्यूमिनियम कार्बाइड है इसमें अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ बनेगा सी एच फोर मीथेन और साथ ही साथ निकल जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तो देखो ये एल्यूमिनियम कार्बाइड की रिएक्शन के साथ मीथेन बनता है ये भी आपको याद रखनी है अब चलो कुछ एन सी क्यू करते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ कीटोन टू हाइड्रोकार्बन द एप्रोप्रिएट रिएजेंट टू देखो कीटोन से अगर आपको हाइड्रोकार्बन बनाना है तो कीटोन से मैंने आपको दो रिएक्शन बताए हैं एक बताया आपको क्लिमेंसन रिडक्शन और एक बताया वुल्फ किस्नार। तो ये जो जिंक कमलगम एस है ये क्लिमेंसन रिडक्शन है देखो यहाँ पर एच नहीं होगा क्योंकि एच आई प्लस रेड फॉस्फोरस करना है और यहाँ पर सिर्फ रेड फॉस्फोरस नहीं होगा रेड फॉस्फोरस प्लस एच आई करना था अगर ये रेड फॉस्फोरस प्लस एच आई होता तो ये भी ऑप्शन हम ले सकते थे लेकिन यहां प्रिपरेशन ऑफ इथेन बाय इलेक्ट्रोलिस ऑफ एक्वा एक्वासल्यूशन ऑफ पोटेशियम एसिडेट अब पोटेशियम एसिडेट सबसे पहले बनाओ एसिटिक एसिड ये रहा एसिटिक एसिड अब पोटेशियम एसीटेट की बात करी तो ये एच हटा के के लगा दिया ये बन गया पोटेशियम एसीटेट अब पोटेशियम एसीटेट का हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा भाई ये पूरा सी ओ टू बन के निकल जाएगा और यहाँ बन जाएगा फ्री रेडिकल और ये दो मॉलिक्यूल ले लो तो यहाँ मिथाइल के दो फ्री रेडिकल हो जाएंगे और दो फ्री रेडिकल मतलब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी ये दोनों जुड़कर इथेन बना लेंगे तो इस रिएक्शन का नाम क्या है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस कोलज इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे एनहाइड्रास सोडियम एसिटेट ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम सी एस थ्री सोडियम एसिटेट इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम एन एच कैल्शियम ऑक्साइड इसको हम कहते हैं सोडा लाइम और ये सोडियम एसिटेट यहां पर ये Na2CO3 थ्री निकल जाएगा और ये बन जाएगा मीथेन ठीक है तो यहाँ पर ये सोडियम एसिटेट है और इसमें सोडा लाइम डाला तो एन थ्री निकल जाएगा बन जाएगा मीथेन तो यहाँ पर सोडियम एसिटेट को अगर हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा एल्केन बनेगा और कौन सा बनेगा मीथेन देखो डी से आप मीथेन बना सकते हो वहीं अगर मैं बात करूं वुड्स रिएक्शन की तो वुड्स रिएक्शन से आप मीथेन नहीं बना सकते क्योंकि अगर आप मिथाइल क्लोराइड लोगे तो इथेन बनेगा इथाइल क्लोराइड लोगे तो ब्यूटेन बनेगा और प्रोपाइल क्लोराइड लोगे तो हैगजेन बनेगा तो यहाँ हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम बनते हैं किसमें वुड्स रिएक्शन में अब उसके बाद कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस अपन ने देखा मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा तो इथेन बनेगा इथाइल फ्री रेडिकल बनेगा तो ब्यूटेन बनेगा तो यहाँ पर भी मिथेन नहीं बनता किसमें कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में लेकिन यहाँ पर मिथेन बनता है डी कार्बोक्सीशन रिएक्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन विच गिवस मीथेन वेन ट्रीटेड विथ वाटर अभी बताया था एल्यूमिनियम कार्बाइड ये क्वेश्चन आया हुआ है एल्यूमिनियम कार्बाइड ये मीथेन देगा आपको इसका फॉर्मूला बनाते आना चाहिए एल्यूमिनियम पे चार्ज प्लस थ्री कार्बन पे माइनस फोर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ए एल फोर सी थ्री एल्यूमिनियम कार्बाइड में पानी डालोगे मीथेन मिलेगा कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड कैन बी यूज टू प्रिपेयर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कोलबेज इलेक्ट्रोलिस देखो एल्केन तो अपन बना ही लेते हैं ठीक है मैंने कैसे बताया था एक बार फिर से बताता हूं सी एस थ्री सीओ एन एसे ब्रेक होगा प्लस एंड माइनस में फिर इसमें हम इलेक्ट्रोल करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये हो जाएगा डबल बॉन्डो सिंगल बॉन्डो फ्री रेडिकल अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां ये इलेक्ट्रॉन यहां ये हो जाएगा सीओ टू तो ये सी एस थ्री प्री रेडिकल दो मॉलिक्यूल अब दो सी एस थ्री प्री रेडिकल आपस में मिलकर क्या बना लेंगे यहां बना लेंगे इथेन तो यहां पर ये क्या हो गया सोडियम एसीटेट और ये ब्रेक हो जाएगा फिर उसके बाद ये फ्री रेडिकल कैसे बनाएगा जैसे ही इलेक्ट्रोलिस होगा तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है ये सल्यूशन में छोड़ देगा उसकी वजह से फ्री रेडिकल बनेगा और फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो ये बन गया अपना एल्कीन लेकिन इसमें एल्कीन भी बन जाता है कैसे समझते हैं उसको अब उसके लिए बस कुछ नहीं अपने को सॉल्ट अलग लेना पड़ेगा जैसे मैंने कहा सोडियम पोटैशियम टार्टरेट सोडियम पोटेशियम टार्टरेट ठीक है सोडियम पोटेशियम फ्यूमरेट करो पहले फ्यूमरेट सोडियम पोटेशियम फ्यूमरेट देखो ये जो फ्यूमरेट सॉल्ट है ये फ्यूमरिक एसिड से आया है सी डबल बॉन्ड सी सी डबल ओ एच दोनों आपस में क्या है? है तो के ये है। अब फ्यूमेरिक सी डब्ल्यू एच यहां है ये C यहा है। अब मैंने क्या कहा सोडियम पोटेशियम फ्यूमरेट तो यहां पर आप लिखोगे सोडियम और यहां लिखोगे पोटेशियम अब ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस अब होगा क्या यहाँ पर ये सी ओ टू निकल जाएगा ये फ्री रेडिकल फिर ये सी ओ टू निकल जाएगा ये फ्री रेडिकल देखो यहां से सी ओ टू निकल जाएगा जैसा मैंने मैकेनिज्म पहले बताया था ये फ्री रेडिकल ये फ्री रेडिकल अब ये दोनों फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन या आपस में यहां पर आके बॉन्ड बना लेंगे और यहां बन जाएगा एसी तो यहाँ पर देखो ये एल्काइन भी बन जाएगा ठीक है यहां पर ये यह एल्काइन भी बन गया तो देखो यहां पर जो कोलबेज इलेक्ट्रोलिस मेथड है उससे इथेन तो बना ही इथाइन भी बनेगा इथिन भी आप बना सकते हो बस एल्किन वैसी लेनी पड़ेगी जैसे कि आपने पढ़ा हो ऑक्जेलिक एसिड फिर मैलॉनिक एसिड फिर सक्सिनिक एसिड वही सोडियम अब सक्सिनिक एसिड क्या होता है ऑक्जेलिक एसिड में दो सी एच होते हैं सी डबल ऑक्जेलिक एसिड फिर इसमें अगर दो सी एच टू बढ़ा दिए जाए बीच में तो ये हो जाता है सक्सिनिक एसिड लेकिन मुझे क्या चाहिए सॉल्ट चाहिए तो मुझे चाहिए सोडियम पोटेशियम सक्सिनेट। अब सोडियम यहाँ लगा दो सोडियम पोटेशियम यहाँ लगा दो पोटेशियम ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये सी ओ टू निकल के फ्री रेडिकल ये सी ओ टू निकल के फ्री रेडिकल ये सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू क्या बन गया इथिन तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस से आप तीनों बना सकते हो एल्किन एल्किन और एल्काइन तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज बहुत अच्छा क्वेश्चन ग्लूकोज रिएक्ट विथ रेड फॉस्फोरस एच आई अभी बताया था रेड फॉस्फोरस एच आई सारे ऑक्सीजन हटा देगा केवल हाइड्रोजन और कार्बन बचेंगे तो क्या बनेगा हेक्जेन इज सब्जेक्टेड टू रिडक्शन विथ एच आई इन प्रेजेंस ऑफ लिटिल नहीं ये रेड फॉस्फोरस है टाइपिंग मिस्टेक है रेड फॉस्फोरस एच आई अब रेड फॉस्फोरस एच आई अगर प्रोपेनोइक एसिड में डालें अब देखो प्रोपेनोइक एसिड ये है इसमें अगर हम रेड फॉस्फोरस एच आई डालें तो क्या बन जाएगा प्रोपेन बन जाएगा ये सारे ऑक्सीजन हटा देगा चाहे एल्डी आइड के हों चाहे कीटोन के हों चाहे एसिड के हों द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अब यहाँ से अपने क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टी चालू हो गई एल्केन की एल्केन की प्रिपरेशन हमने देख ली अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की एल्केन वाटर में डिजॉल्व होता है कि नहीं होता तो एल्केन पानी में डिजॉल्व नहीं होता जैसे कि एल्केन का एक एग्जाम्पल हो गया वैक्स वैक्स जो है मोमबत्ती जो है वो पानी में डिजोल्व नहीं होगी क्योंकि वो पानी से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगी मीथेन थोड़ा बहुत डिजोल्व होता है लेकिन ज्यादा डिजोल्व नहीं होता और जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाती है वैसे वैसे नॉन पोलर ग्रुप बढ़ते जाते हैं और पोलैरिटी कम होती जाती है सॉलिबिलिटी कम होती जाती है तो यहाँ पर पहली चीज़ है सॉलिबिलिटी और दूसरी बात है बॉयलिंग पॉइंट तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है जो बड़े ग्रुप हैं एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं और रिपेल करने लगते हैं जिसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है और मेल्टिंग पॉइंट बॉयलिंग पॉइंट कम हो जाता है अब जैसे हम बात करें एन पेंटेन आइसो पेंटेन न्यो पेंटेन अब एन पेंटेन का स्ट्रक्चर ये है ये एन पेंटेन है सी एस थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी थ्री आएसओ पेंटेन और फिर आता है नियो पेंटेन नियो पेंटेन में आप देखोगे ये जो बड़े बड़े ग्रुप हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं रिपेल कर रहे हैं जिसकी वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी एनपेंटेन आयसोपेंटेन नियोपेंटेन तो यहां पर ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा द मोस्ट वोलेटाइल कंपाउंड इज एन पेंटेन आयसो ब्यूटेन टू मिथाइल ब्यूटेन ये टू मिथाइल ब्यूटेन फिर टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन देखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले तो मॉलिकुलर वेट के प्रोपोर्शनल होता है और अगर मोलिकुलर वेट बराबर हो अगर मोलिकुलर वेट बराबर हो नंबर ऑफ कार्बन बराबर हो तो आपको ब्रांचिंग देखना है पहले तो आपको मॉलिकुलर वेट ही देखना है तो यहां पर देखो ये पांच कार्बन पांच कार्बन पांच कार्बन सबसे ज्यादा इसका फिर सेकेंड इसका थर्ड इसका फोर्थ इसका क्या पूछा है कौन ज्यादा है मतलब कौन आसानी से ओपरेट होगा मतलब किसका मेल्टिंग पॉइंट पॉइंट बॉइलिंग मिनिमम है तो यहाँ पर मिनिमम इसका होगा टू मिथाइल आइसो ब्यूटेन टू मिथाइल ब्यूटेन हाँ ये है आइसो ब्यूटेन आइसो ब्यूटेन का मिनिमम होगा अब यहाँ ब्रांचिंग पे नहीं जाना कि भाई सर बोले कि यहाँ न्यो पेंटेन में ज्यादा ब्रांचिंग है नहीं पहले यहां पर देखो पांच कार्बन है और यहां पर कितने है? चार कार्बन है तो मैंने क्या बोला पहले आप मोलिकुलर वेट देखो अगर मोलिकुलर वेट कम है तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम होगा और मोलिकुलर वेट बराबर है जैसे इन तीनों में हम ब्रांचिंग से कंपेयर करेंगे लेकिन इन तीनों और इसमें हम मोलिकुलर वेट से कंपेयर करेंगे इन तीनों का मोलिकुलर वेट इससे ज्यादा है तो इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा होगा विच आर फॉलोइंग शोज ओनली वन ब्रोमिनेटेड कंपाउंड इनमें से किसमें केवल वन ब्रोमिनेटेड कंपाउंड होगा अब जैसे ब्यूट टू इन ब्यूट टू इन अब इसमें टू पे लग सकता है तो यहां तो वन बनेगा नहीं अब यहां पर टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन यहां पर ब्रोमीन सेंटर पे नहीं लग सकता क्योंकि कार्बन ऑलरेडी चार बॉन्ड बना चुका है ब्रोमीन एक ब्रोमीन लगाना है आप यहां लगाओगे अगर यहां लगाओगे तो नाम क्या हो जाएगा वन टू थ्री वन ब्रोमो टू टू डायमिथाइल प्रोपेन अब ये ब्रोमीन यहां ना लगा के आप यहां लगा दोगे तो नंबरिंग ऐसी हो जाएगी वन टू थ्री फिर नाम क्या हो जाएगा वन ब्रोमो टू टू डायमिथाइल प्रोपेन तो यहां पर केवल एक ही कंपाउंड बनेगा इसी को हम कहते हैं नियो पेंटेन तो न्यू पेंटेन में अगर सिंगल ब्रोमीन जोड़ना है सिंगल क्लोरीन जोड़ना है मोनोहेलोजन जोड़ना है तो एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है तो यहां पर टू टू डायमिथाइल प्रोपेन में एक प्रोडक्ट पॉसिबल होगा द मोस्ट स्ट्रेनड साइक्लो एल्केन स्ट्रेंड का मतलब होता है कि भाई कार्बन पास पास है और बहुत ज़्यादा पास है जिसकी वजह से उनमें रिपल्शन है तो एक एंगुलर स्ट्रेन है उनमें जैसे साइक्लोप्रोपेन की बात करें तो साइक्लोप्रोपेन में कार्बन बहुत पास पास है और ऐसे स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होते हैं तो सबसे ज्यादा साइक्लोप्रोपेन यहाँ हो गया साइक्लोब्यूटेन ये हो गया साइक्लोपेंटेन और ये हो गया साइक्लोहेक्सेन इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल साइक्लोहेक्सेन होगा साइक्लोहेक्सेन क्यों देखो सबसे पहले तो इसमें एंगुलर स्ट्रेन कम है आप नोटिस करोगे जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर है बेंजीन का स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन है और फिर डबल सिंगल डबल बॉन्ड है तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है साइक्लोप्रोपेन में क्या है कि कार्बन पास पास है ज्यादा स्ट्रेन है और मोस्ट स्ट्रेन साइक्लो एल्केन है जिसकी वजह से लेस स्टेबल है नेचुरल गैस कंटेन्स मेनली नेचुरल गैस को हम सी कहते हैं इसी को हम कहते हैं बायोगैस इसी को हम कहते हैं गोबर गैस और इसमें होता है मीथेन अब कुछ बातें और कर लेते हैं जैसे एल जो अपने घर में एल आ रही है वो ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का मिक्सचर है ब्यूटेन प्लस आइसो ब्यूटेन फिर उसके बाद जो डियोड्रेंट में यूज होती है वो प्रोपेन गैस होती है आजकल उसको प्रोपलेंट लिखने लगे हैं क्योंकि प्रोपेन ब्यूटेन सब मिक्स करके वो डियोड्रेंट बनाने लगे हैं प्रोपेन यूज होती है फिर उसके बाद आप जाओ जैसे पेट्रोल पेट्रोल क्या है पेट्रोल है ऑक्टेन और आइसो ऑक्टेन का मिक्सचर ऑक्टेन और आइसो ऑक्टेन का मिक्सचर कहलाता है पेट्रोल अगर आइसो ऑक्टेन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे गैसोलिन और गैसोलिन जो है जो आइसो ऑक्टेन है इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है जिसकी वजह से इसका बॉयलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम है और ये ज़्यादा बेटर फ्यूल है इससे तो ये हमने कर लिया है एल के के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन